हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बेसिक कराटे ब्लॉक। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो मैं नया डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज मैं जो सिखाने वाला आप लोगों को बेसिक जो कराटे ब्लॉक है जो हम बच्चों को सिखाते हैं अकेडमी में कि बच्चे को किस तरीके से उसको बचना है, वो बचना हम सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे आप लोगों को। तो हमारे बीच में तीन स्टूडेंट हैं हमारे बीच में, अभी वो भी करेंगे मेरे साथ, उनको मैं सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना और स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि इस वीडियो में क्या सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी शुरू करते, ज्यादा समय ना लेते हुए। सो दोस्तों, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को बेसिक कराटे जो ब्लॉक्स मैं सिखाने वाला हूँ, तो ऐसे होगा। तो सबसे पहले हम सिकुदाची स्टांस में बैठेंगे, उसको हॉर्स स्टांस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैपनीज में हम सिकुदाची बोलते हैं। ऐसे करके पहले हाथ ऐसे रखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है। तो दोस्तों देखो, अब पहले मैं आपको स्लो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसको फास्ट करूंगा। मैं तो स्लो कैसे करना है, हैंड को कैसे ले जाना है, मैं आपको बताऊंगा पहले। तो स्लो ऐसे जाएगा, देखिए हैंड इस तरीके से क्रॉस होके ऐसे, फिर इस तरीके से ऊपर उठेगा लाइक दिस, और दूसरा हैंड जो है वो पीछे जाएगा, आपको एल्बो अटैक करना है पीछे इस तरीके से, फिर दोबारा ऐसे करेंगे धीरे 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 धीरे, हम ले आएंगे हाथ को ऊपर लाइक दिस। इस तरीके से कम धीरे धीरे 10 से 15 बार आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाथ को लेके जाना कैसे, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, फिर ऐसे हम लोग करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इस तरीके से इसको स्पीड बढ़ाएंगे, इस तरीके से करते 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 स्पीड बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी स्पीड में हम इसको देखेंगे, अभी हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो भी करेंगे, अब उनको देखना कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6। सो दोस्तों, अब समझ आ गया होगा आपको कि कैसे हमने किया इसमें स्पीड में। तो इसी तरह आपको स्पीड में करना है, प्रैक्टिस करना है, पहले धीरे धीरे करना है, उसके बाद स्पीड में करना है। तो घर बैठ के आप आराम से कराटे सीख सकते हैं, आपको कहीं अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। तो इजी तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ, और ये इजी तरीके से, बेसिक तरीके से आपको धीरे धीरे समझना है और सीखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता घर बैठे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे सीखना है, किस तरीके से ये चीज़ समझ में नहीं आया मुझे, आप समझाइए। तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो डाल के मैं समझाऊंगा कि उसके बारे में कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फिर से आप देखेंगे स्लो कैसे करना है, इस तरीके से करेंगे, फिर फास्ट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। दोस्तों अभी हम इसका और एक तरीके से हम करेंगे। हम अभी स्टैंड खड़े होकर यहाँ पे किया, सिकुदाची में हमने यहाँ पे स्टैप मूव नहीं किया, अब हम मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए क्या करना है, हमें आगे और पीछे जाना है। तो आगे पीछे जब जाएंगे तो इसके लिए अलग स्टांस होता है, कि उस स्टांस में भी करना होता है। तो स्टांस ऐसे होता है, बैक एंड फ्रंट स्टांस होता है। तो इस पे इसको हम इंग्लिश में बैक एंड फ्रंट स्टांस बोलते हैं, जैपनीज में इसको जेन कुशुदाची बोला जाता है। तो जेन कुशुदाची मतलब इस स्टांस में खड़े होकर सीधे से बैठ कर इस तरीके से स्टांस में, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे पीछे जाएंगे झिकझैक की तरह, ठीक है। सो दोस्तों अभी इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। सो फर्स्ट सेम वही है, लेफ्ट लेग आगे रखा है और राइट लेग पीछे रखा है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा और राइट हैंड पीछे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ऊपर। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, पहले स्लो करके दिखाऊंगा दोस्तों, फिर उसके फास्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्लो में इस तरीके से पहले लेग को ले जाना आगे, उसके बाद हैंड ले आगे, फिर उसके बाद फिर लेग जाएगा, फिर हैंड, फिर लेग, फिर इसी तरह आपको पीछे भी जाना है, बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए भी सेम वही टेक्निक रहेगा, फिर सेम वही ट्रिक रहेगा आपको, इसी तरह आपको पीछे भी जाना है, सेम धीरे धीरे आपको पहले समझना है, फिर इसको स्पीड करना है, पहले धीरे धीरे करना है, उसके बाद इसका स्पीड बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम 3 स्टेप पीछे आ गए। तो दोस्तों अभी फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो अभी कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं मेरे साथ, तो अभी इनके साथ मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अभी मैं स्लो में करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसमें फास्ट भी करके दिखाऊंगा, फास्ट करना कैसे है, ठीक है। स्लो
इसमें हम पहले करेंगे थ्री स्टेप फॉरवर्ड थ्री स्टेप बैक. रेडी, वन टू थ्री, थ्री स्टेप बैक, वन टू थ्री. गुड. तो दोस्तों इस तरीके से हमें फॉरवर्ड होना है, फिर बैक होना है, स्लो स्लो धीरे धीरे जाना है. अब इसके बाद हम फास्ट करेंगे कि फास्ट कैसे करना है. फास्ट देखना है कि हैंड को कितने स्पीड में ले जाना है. लेग एंड हैंड मूवमेंट आपका स्पीड हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए इस वीडियो को. वन टू थ्री बैक, वन टू थ्री. तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे करना है. तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि आप पहले घर में धीरे धीरे समझे पहले वीडियो को, पहले ध्यान से देखें वीडियो में सिखाया क्या जा रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे आगे, उस तरीके उसके हिसाब से आप उसको करें और धीरे धीरे करें. पहले धीरे धीरे करके अपने दिमाग में बिठाएं, फिर उसको स्पीड करने की कोशिश करें. क्योंकि अगर आप पहले स्पीड करने की कोशिश करोगे तो आप जल्दी भूल जाओगे और गलत करोगे. तो गलत नहीं करना, हमें सही से करना है और परफेक्ट करना है ताकि वो मूव आपको आ जाए इजीली. ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने देखा है. आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे मुझे, ताकि मैं आगे भी नए नए वीडियो अपलोड कर सकूं और आप लोगों को सीख सकूं घर बैठे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.